पेगासस से कथित जासूसी मामले में विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संसद में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि क्या सरकार ने पेगासस को खरीदा है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि हम सदन में पेगासस के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक हुई जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। हमें यहां आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ, तो सदन में बात क्यों नहीं आनी चाहिए? तो राहुल गांधी और तमाम जो विपक्षी नेता हैं किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर लगातार विपक्ष हमलावर है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, राहुल गांधी का ये कहना कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, पेगासस जासूसी मामले पर हम चर्चा चाहते हैं लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है, सरकार हमारी आवाज को दबा रही है, लेकिन सरकार का यह कहना है, बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है, कौन सही कौन गलत? देखिए, विपक्ष जो है सड़क से लेकर संसद तक पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहा है। आज भी हमने देखा सुबह किस तरीके से जो तमाम विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं, लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, उन्होंने पहले संसद में जो है मीटिंग की और उसके बाद बाहर विजय चौक पर आकर जो है तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने जो है प्रेस को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पेगासस के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए कि उनका फोन टैप किया गया है, उनके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका फोन टैप किया गया, पत्रकारों का फोन टैप किया गया, तो पेगासस को वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, ये साफ तौर पर राहुल गांधी जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर केंद्र सरकार से कई सवाल भी थे, क्या केंद्र सरकार ने पेगासस खरीदा है ये जो है उन्होंने पूछा है, पेगासस का इस्तेमाल हथियार के खिलाफ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये जो है राहुल गांधी ने पूछा है। तो ऐसे में पूरी तरीके से विपक्ष जो है संसद के अंदर भी जो है पेगासस के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि पेगासस के मुद्दे पर गतिरोध जो है वो बरकरार संसद के अंदर देखने को मिलता है। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श इसमें एक और सवाल ये उठता है क्योंकि लगातार जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को हमारा मुद्दा सदन के अंदर उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष हमारे मुद्दे को ना उठाकर अब पेगासस जासूसी मामले पर ज्यादा जोर दे रहा है, तो क्या विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बदली है? पेगासस जासूसी का जो मामला है वो भी ऐसे समय में आया जब संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, ऐसे समय में ये मामला सामने आ गया और उसके बाद विपक्ष को भी अपनी रणनीति को बदलना पड़ा है और विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा जाए। देखिए बिल्कुल, सरकार जो है तीन कृषि कानूनों के संदर्भ में पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि रद्द तीन कृषि कानून नहीं होंगे, हालांकि बातचीत करने के लिए सरकार अभी भी तैयार है, तो सरकार को केंद्र विपक्ष पार्टियां जो है वो कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी घेरती हुई नजर आती हैं। अलग अलग पार्टीज की तरफ से जो नोटिस है चर्चा के लिए वो जो है तीन कृषि कानूनों के मसले पर दिए जाते हैं, किसान आंदोलन के मसले पर दिए जाते हैं, लेकिन पेगासस एक ऐसा मसला निकलकर सामने आ रहा है जिसमें खुद विपक्षी पार्टियों के नेताओं के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि उनकी फोन टैपिंग हुई है, राहुल गांधी की फोन टैपिंग का आरोप वो खुद लगाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ लगा है ताकि केंद्र सरकार को घेरा जा सके। इस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो इस बैठक में शामिल रही हैं, कांग्रेस के अलावा और कौन कौन सी ऐसी पार्टियां थी जो इस बैठक में मौजूद रहीं और वो भी चाहती हैं कि पेगासस मसले को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, सदन में चर्चा होनी चाहिए। सुबह जो बैठक हुई थी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की, विपक्षी पार्टियों की, उसमें
कुल मिलाकर 14 पार्टियां थी जिनका जिन्होंने जो है शिरकत की थी, कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, एसपी, सीपीआईएम, एनसी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम ऐसी पार्टियां थी 14 जो जो है विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं और जिन्होंने पेगासस के खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई है कि किस तरीके से सदन के अंदर जो है पूरे इस मसले को उठाना है और केंद्र सरकार को घेरना है। जी बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श, इस बड़ी खबर पर नजर आप आगे भी बनाए रखिएगा, बहुत धन्यवाद। तो हिंदुस्तान के विपक्ष की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा, राहुल गांधी का यह बड़ा आरोप सरकार के ऊपर, सरकार ने पेगासस खरीदा या फिर नहीं, हां या ना में जवाब दिया जाए।